आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त ओबेरॉय ग्रैंड से बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर इस वक्त हमारे साथ हैं एक्टर अभिषेक रावत। जी हां, वे कोलकाता में आए हुए हैं और सिर्फ रेड एफएम के साथ ही उनकी बातें होने वाली है। एक नया टीवी शो लाइफ ओके में शुरू होने वाला है जिसका नाम है बावरे। इस टीवी शो में वे नजर आने वाले हैं, साथ ही साथ हमने उन्हें देखा एक ख्वाब में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल में देखा है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता में। सबसे पहले थैंक यू, इट्स वंडरफुल टू बी हियर। वेल, इतनी गर्मी पड़ रही है कोलकाता की हम बातें करें, कोलकाता के लोगों की इस वक्त हालत बहुत बुरी है। कैसे आप अपने आप को ठंडा रख रहे हैं इतना, क्योंकि आपको कूल एक्टर्स में से एक माना जाता है। देखिए, ऐसा नहीं कि कोलकाता में ही हालत खराब हो रही है, बंबई में इक्वली खराब हो रही है, अकेले नहीं है आप इसमें। कोलकाता की हम बातें करेंगे, सबसे पहले कोलकाता लेकर जाना चाहूंगा। कोलकाता के बारे में क्या क्या चीजें जो आपको काफी ज्यादा पसंद है? कोलकाता से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, हालांकि आप पता नहीं 5-6 साल में कितनी यादें फॉरवर्ड ले जाते होंगे, याद रखते होंगे इस उम्र तक। मेरी काफ़ी सारी यादें हैं यहाँ का, रेस कोर्स, टर्फ व्यू, हुगली रिवर, जू, ट्रैम्स, और ये सारे मेरे दिमाग में स्नैपशॉट्स बचपन के अभी तक हैं। मैं जानना चाहूँगा, जब आप कोलकाता एयरपोर्ट से उतरे और ओबेरॉय तक आए, क्या क्या चीज़ें आपने देखी जो आपको काफ़ी पसंद आई? मैंने वहाँ पर एक एयरपोर्ट के पास एक बनता हुआ मेट्रो का वो देखा था, और हमने इमीडिएटली ड्राइवर से पूछा, बॉस ये मेट्रो कब बनेगा? उसने बोला कि ये तो मैं भी नहीं, टाइम लगेगा सर, इसमें टाइम लगेगा, उसने ये बताया। और फिर मैंने क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोया नहीं था, तो उसके बाद मैं सोते हुए आया। सॉरी, मैं आपको वो आंसर नहीं मिला जो आप सुनना चाह रहे थे, लेकिन मैं काफ़ी थका हुआ था तो मैं सो गया। लेकिन अभी मैं निकलूँगा, IPL मैच देखने जा रहा हूँ यहाँ से, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लाइफ ओके की अब हम बातें करना चाहेंगे। लाइफ ओके में एक नया आपका सीरियल जो है वो शोप जो है वो शुरू होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? जी, बावरे शो का नाम है लाइफ ओके पे, आएगा अगले महीने से 2 तारीख से। ये शो एकदम बिल्कुल भी सास बहू नहीं है, ये क्लीशे है कहना कि इट्स डिफरेंट, बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू, इट इज़ रियली डिफरेंट। ये एक एक यूथ बेस्ड शो है, म्यूजिकल शो है, इसमें नया साउंड यूज हुआ है, लॉट ऑफ ग्रेट म्यूजिक हैज बीन यूज, लोगों के यूथ के क्या एस्पिरेशंस हैं, उनके क्या उनके इमोशंस को ये एक्सप्लोर करता है। और हर बंदा जो इस दौर से गुजर रहा है या गुजर चुका है, उसको ये शो देखने में बहुत मजा आएगा। जाना चाहूँगा, देखा एक ख्वाब से लेकर बावरे तक का सफ़र आपका एक्टिंग करियर में कैसा रहा? देखिए, 5 साल हो गए मेरे को एक्टिंग करते हुए, और आई एम रियली लकी, आई फील, मेरे को लगता है आई एम ब्लेस्ड कि हर बार मुझे एक अच्छी स्टोरी मिलती है, सब्जेक्ट मिलता है, कंटेंट मिलता है काम करने के लिए, और मेरे शोज हिट हो रहे हैं। और ये शो भी कुछ अलग नहीं है, इस शो को देख के फिर से आपको वही लगेगा कि यार ये अच्छा काम करता लड़का। अब जब आप कोलकाता शहर में आए हुए हैं और आज कोलकाता का मैच होने वाला है, कोलकाता चेन्नई, IPL की भी बातें थोड़ी सी हम करना चाहेंगे, आपका फेवरेट टीम कौन सा होगा इस साल की अगर हम बातें करें, आप कुछ बता दें क्या लग रहा है? देखिए, मेरी KKR से बहुत लॉयल्टी, रात से नहीं, जब से शुरू हुआ है तब से है। एक तो मैं कलकत्ता रह चुका हूँ बचपन में, दूसरा मैं शाहरुख के साथ काम कर चुका हूँ क्लोजली कौन बनेगा करोड़पति में, तो इन दोनों रीजन चीफली इन दोनों रीजन्स की वजह से, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, तो इन दोनों रीजन्स की वजह से मेरी KKR से बहुत लॉयल्टीज गहरी तरह से जुड़ी हुई हैं। आज क्या लग रहा है, आज क्या होने वाला है? मुझे लग रहा है अभी KKR अभी अच्छे रन में है, 4 मैच ऑन द ट्रॉट जीते हैं, आज भी मुझे लगता है सील कर देंगे हम लोग पोजीशन। अभिषेक बताना चाहूँगा, हम सुबह से ही बातें कर रहे थे कि आपके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें होगी। बताना चाहूँगा, कोलकाता में आपके फैंस बहुत हैं, कई लोगों ने हमें फेसबुक पे सवाल पूछे, कई ट्विटर में सवाल पूछे और हमें कॉल करके भी सवाल पूछे गए हैं। पिंकी है एक सवाल आपसे पूछ रही है, ये जादवपुर में रहती है, कि जब ईडन गार्डन्स की बातें हो रही है, जैसे कि आपने कहा कि आज आप ईडन में जाने वाले हैं, मैच देखने वाले हैं, तो ईडन कितना इंपॉर्टेंस रखता है? आपने कभी ईडन में मैच देखा है या ईडन के बारे में आपने सुना है, क्या क्या चीज़ें जो आपको पसंद आती है ईडन की? ईडन मेरी जैसे बहुत से अक्सर लोग होंगे जिन्होंने ईडन के बारे में सुना होगा, मैं उनमें से एक हूँ। मैंने अंदर बैठ के कभी माहौल को फील नहीं किया ईडन में, मैंने बहुत जगह मैचेस देखे हैं, तो ये एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं ईडन गार्डन में बैठ के देखूंगा, और जो सारी बातें सुनने में मिलती नहीं कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बात करने कमेंटेटर्स एक दूसरे बोल रहे थे वो सुनाई दे रहा है, वो सुनाई दे रहा है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आज मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभिषेक, 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में आपने क्या प्लान्स कर रखे हैं बावरे के साथ साथ, और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आप हाईलाइट हो रहे हैं, कुछ फोकस कर रहे हैं?
देखिए बावरे एक मेरा फिल्म है, सॉरी बावरे शो के साथ साथ मेरे दो फिल्में हैं जो आने वाले वक्त में रिलीज होंगी। एक है नागेश कुकनूर की, ये है हौसला, उसमें मैं विलेन प्ले कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरी एक फिल्म पाइट पाइपर करके है बनी, अभी मैंने रिसेंटली उस पर काम खत्म किया है। इट्स गोइंग अराउंड द फेस्टिवल्स, इट्स वन अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, दैट शुड रिलीज सम टाइम लेटर इन दिस ईयर ऑल्सो, पाइट पाइपर। हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं, भूख भी लग रही है, पापड़ सिर्फ रखा हुआ है सामने। क्या क्या चीज़ें हैं जो कोलकाता आकर आप खाने वाले हैं? क्या 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 प्लान किया आपने, क्या ऑर्डर दिया है अभी? हाँ, कौशा मांस मेरा फेवरेट है यार, और बम्बई में बहुत खाता हूँ। अब लोग यहाँ पर आया हूँ तो ये भी बिल्कुल खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और और मिठाइयों में कुछ पसंद है आपको, स्वीट्स या वगैरह? मिठाइयों में तो मैं क्लीन बोर्ड हो गया यहाँ पर। मैंने वो बूफे देखा, उसमें इतनी सारी इंडियन स्वीट्स लगी, आधे मिष्टी को तो दोई भी मुझे होगा जी? आधी हाँ चीज़ों का नाम ही नहीं मालूम है। मिष्टी दोई और रसगुल्ला ये सब तो सब मालूम ही है, जी, मगर लोंग बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि चाय। लोंगचा वोंगचा, मेरे को नाम ही नहीं सुना है। मतलब मेरे को लग रहा है खाना वाना छोड़ के मेरे को सीधे पहले स्वीट्स ही ट्राई करनी चाहिए। अभिषेक, इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप जब कोलकाता आए, रेड एफएम स्टूडियो के स्टूडियो में जरूर आ पाए। खौसा मांसों से लेके मैं आपको मिष्टी जितनी है सब मैं आपको खिलाऊंगा, सब कुछ मैं आपको खिलाने वाला हूँ। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडियो में जरूर आए नेक्स्ट टाइम। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं आपके बिल्कुल, मैं तो स्टूडियो, तैयार हूँ, यहाँ लेकिन छोड़िए। आपसे मैच हाँ भी मिस हो जाए। मैच देखने भी जाना है हमें। ये बात भी है। ठीक है सर, अगली बार सीधा आपके पास आएंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल, जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, आपके फैंस जो सुन रहे हैं, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे रेड एफएम पर? प्लीज़ मेरा नया शो बावरे आने वाला है 2 जून से, प्लीज़ उसे देखें। और ये क्लीशे है बोलना इट्स डिफरेंट, बट दिस टाइम इट इज़ रियली डिफरेंट। और आप सब प्लीज़ देखें बावरे ऑन लाइफ, ओके, फ्रॉम 2 जून। क्या बात है, थैंक थैंक यू यू। सो मच अभिषेक, हमारे साथ बातें करने के लिए, रेड एफएम को समय देने के लिए। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहें। नेक्स्ट टाइम रेड एफएम स्टूडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स बड़ी, थैंक्स अ लॉट। ये आवाज थी एक्टर अभिषेक रावत की, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी। लाइफ ओके में एक नया सीरियल शुरू होने वाला है जिसका नाम है बावरे, और इस सीरियल में नजर आने वाले हैं हमारे अपने अभिषेक रावत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।